ना तो कार री यानी कि ट्रक्स, ला तो कारो ओ कामियन ए उन वेहिकलो इन ग्रादो दी ट्रांसपोर्टारे मिर्ची कोजे। आ तो कारो या कामियन ये एक ऐसी गाड़ी होती है जो सामान लाने और ले जाने का काम देती है। मिर्ची कोजे का मतलब होता है गुड्स, सामान, कोई भी चीज़ लानी हो ले जानी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कहते हैं आटो कारो या कामियन। आटो ट्रेनी ला तो ट्रेनो एवं वेहिकलो कोस्टितुइति दा दुए उनिता, उना कोन इल मोटोरे एड अगनचाता कोन उन रिमोर्कियो ये सोनो अगनचाते तरह दी लोरो। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है इसमें। मैं आपको बात समझा देता हूँ। इसमें आपके पास एक आटो कार ही होती है, जिस तरह हमने पहले देखा कि एक आपके पास ट्रक होता है। ट्रक के अंदर आप उसको कोई सामान लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन सामान समझ लेंगे उसके अंदर फिट नहीं आ रहा। आपको पीछे एक और ट्राली बांधनी है, तो जब आप एक अपने पीछे ट्राली और हुक के जरिए जो है वो बांध लेते हैं, उसको भी खींचना चाहते हैं आप, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है ना आटो ट्रेन ही बना देती हैं। यानी कि आप आटो कार रही यानी कि ट्रक, ट्रक के पीछे एक और ट्राली बांध लेते हैं जब, तो वो आपस में मिलकर एक आटो ट्रेनिंग या तो ट्रेनों को बना देते हैं। यही बात वो कहना चाह रहा है कि ए उन वेहिकलों को अस्तित्व हुई थी दा दुए होनी था। ये एक ऐसी गाड़ी होती है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ऊना कोनिल मोटोरे, एक जो उनमें से होता है वो उसके अंदर इंजन लगा हुआ होता है। यानी कि जो पीछे आपने ट्राली बांधी है उसका तो अपना इंजन नहीं है, सिर्फ सामने जो ट्रक मौजूद है उसका अपना एक इंजन है। एद गन चाहते त्रादी लोरो, और आपस में एक हुक के जरिए से वो बंधे हुए होते हैं। आतो आर्टिकुलाती ये भी एक और तरह की किस्म है गाड़ियों की। इसमें क्या होता है कि आपके पास त्रत्रोरे स्त्रादाले होता है, त्रत्रोरे स्त्रादाले स्ट्रीट ट्रक इसको कहते हैं। ये आपको पिक्चर भी नजर आ रही होगी। यानी कि ये अपनी बजाते खुद जो है एक छोटा सा ट्रक होता है जिसके पीछे अपनी कोई ट्राली मौजूद नहीं होती, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, ये किसी भी इसके पीछे सेमी रिमोर्कियो फिट हो जाता है। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पीछे एक जो पूरा ब्लॉक है ये इसको कहते हैं सेमी रिमोर्कियो। तो सेमी रिमोर्कियो जो है वो हुक होने की बजाय प्रॉपरली इसके ऊपर आके फिट हो जाता है, और ये एक समझ लेंगे ट्रक की सी शक्ल बन जाती है ये। लेकिन ये ट्रक से बड़ा होता है, उसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि आप कहीं पर भी सामान लेकर गए, आप आपके पीछे जो सेमी रिमोर्कियो बंधा हुआ था उसको आप वहीं पर उतारें, अनलोड करें, और आप किसी और कोई और सेमी रिमोर्कियो अगर आपने वहाँ से वापस लेकर जाना है तो उसको फिट करें और वापसी का सफ़र शुरू कर दें। तो इस तरह की जो गाड़ी होती है त्रत्तोरे स्त्रादाले जमा सेमी रिमोर्कियो, ये दोनों आपस में मिलकर आतो आर्टिकुलाती बनाती है। आतो स्नो दातो सोनो वेहिकोली होनी चाहिए, ये एक ही गाड़ी होती है। फ्लैक्सीबली ये फ्लेक्सिबल होती हैं, नोने उन रिमोर्कियो ये ट्रॉली नहीं होती। ये बसें हमने यूरोप में अक्सर देखी हैं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी जो बड़ी बसें चलती हैं, खासतौर पर जो मेट्रो स्टेशन के ऊपर बसें चलाई जाती हैं वो इसी टाइप की होती हैं। इसके अंदर और आटो बस के अंदर सिर्फ एक ही फ़र्क है कि ये उससे ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ज़्यादा लोग इसमें ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और क्योंकि ये ज़्यादा लंबी होती है, और इसमें जब कोई कर्व लेनी होती है, जब कोई मोड़ काटना होता है, जितनी ज़्यादा लंबी गाड़ी होगी उसको उतनी जो है वो मोड़ काटना मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि इसकी जो कमर होती है ना वो लचकदार होती है। जिस तरह आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि दरमियान वाला एक हिस्सा जो है बिल्कुल लचकदार होता है, जो इसको मोड़ काटने में आसानी पैदा करता है। एक बस जो होती है उसके अंदर इस तरह की लचक मौजूद नहीं होती, लिहाजा उसने पूरा एक घूम के चक्कर काटना होता है। इसका इस तरह का कोई मसला नहीं होता, बल्कि दरमियान में इसकी समझ लें कि एक जंक्शन मौजूद होता है जिसकी वजह से एक लचक आ जाती है इसमें, और ये आसानी से जो है मुश्किल से मुश्किल मोड़ भी जो है ना वो काट सकती है। और पिछला हिस्सा जो है इसका अपना हिस्सा होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि सोनो वेहिकुली होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये दो गाड़ियों को आपस में मिला के बनाया गया, बल्कि ये एक ही गाड़ी है। और नोने उन रिमोर्कियो पीछे जो बंधी हुई चीज़ है वो अलहदा नहीं हो सकती, लिहाजा पीछे जो है वो एक कोई ट्राली नहीं है, ये एक ही व्हीकल है और ये आटो व्हीकुली के अंदर शामिल होती है। फेलो व्हीकुली, फेलो व्हीकुली ऐसी इलेक्ट्रिक बस को कहते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक पावर या उसको जो चलने के लिए बिजली की ताकत जरूर चाहिए होती है, वो अपने ऊपर जो ट्रांसमिशन की लाइनें बंधी हुई होती हैं उनसे डायरेक्टली जो है वो ताकत ले रही होती है, डायरेक्टली पावर लेके चलती है। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर ट्रांसमिशन की लाइनें, बिजली की लाइनें हैं, और एक यानी कि एक सिस्टम के जरिए से ये डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड है और अब से उनसे बिजली लेकर ये सफ़र करती है।
इस ऐसी गाड़ी को फिलो बस या फिलो व्हीकल कहते हैं। ट्राम जो है वो इससे डिफरेंट चीज़ होती है। ट्राम भी जो है वो भी बिजली के ऊपर चलने वाली हो तो उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह का एक सिस्टम लगा होता है जो ऊपर ट्रांसमिशन की तारों के साथ जुड़ा हुआ होता है और वहाँ से बिजली लेकर इसका जो है वो मोटर चलती है। लेकिन फ़र्क इन दोनों में यह है कि फिलो बस जो होती है वो उसके नीचे टायर होते हैं, उसको चलने के लिए किसी खास ट्रैक की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से आगे पीछे जा सकती है। जिस रोड के ऊपर भी उसे जाने की इजाज़त हो वो वहाँ पर इंटर हो सकती है, उसको मोड़ काटने के लिए कहीं भी आने जाने के लिए स्पेशली नीचे ट्रैक्स की ज़रूरत नहीं होती। ट्राम इससे डिफरेंट होगी इस लिहाज से कि ट्राम में जहाँ पर भी जाना है वहाँ उसका ट्रैक बना हुआ होना चाहिए। मासा कॉम्प्लेस सीवा पियनो कारिको, टोटल मास एट फुल लोड, ये गाड़ी का मैक्सिमम वजन होता है, यानी कि गाड़ी जब फुल लोड हो, अगर एक कार है उसमें 5 बंदों के बैठने की जगह है, सामान रखने की जगह है, तो जब उसके अंदर 5 बंदे बैठे हों, सामान भी उसके अंदर मौजूद हो, तो उस वक्त उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो उसको कहते हैं मासा कॉम्प्लेस सीवा आप येनो कारी को, फुल लोड के ऊपर गाड़ी का टोटल वजन। इसको MCPC के ज़रिए जो है बयान किया जाता है। हम भी जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो MCPC के लफ्ज़ के साथ इसको जो है वो इसका जिक्र होगा। एला मासा मासीमा दी उन वेहीकोलो, ये किसी गाड़ी का मैक्सिमम वजन होता है। सेमो वैनते, गाड़ी जो है वो सेमो वैनते यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड हो सकती है, यानी कि उसको चलने के लिए सफ़र करने के लिए किसी दूसरी गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। दियून रिमोर्कियो, या वो कोई ट्राली हो सकती है, तो ट्राली जो होती है उसको सफ़र करने के लिए किसी ट्रक की किसी कार की ज़रूरत होती है कि वो उसको अपने पीछे बांधे और आगे लेके जाए। और दी उन कॉम्प्लेसो दी वेहीकोली, जिस तरह आतो आर्टिकुलाती होते हैं कि वो रोड के ऊपर जो ट्रैक्टर होता है उसको और सेमी रिमोर्कियों को जमा करके बनते हैं, तो उनका जो MCPC होगा वो दोनों हिस्सों को जमा करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास मैक्सिमम वजन की वो MCPC होगा। ला मासा पियनो कारिको ए इन दी काता ने ला कारता दी चेरकोला सिहोने एद ए दाता दला सोमा दे ला तारा पी ऊपर ताता। फुल लोड के ऊपर गाड़ी का जो वजन होता है वो आपको कारता दी चेरकोला सिहोने यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर भी लिखा हुआ होता है। ये वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो किसी गाड़ी के अंदर आप इतना वजन जो है वो गाड़ी बर्दाश्त कर सकती है। ए दे दाता दला सोमा दे ला तारा पी ऊपर ताता, ये गाड़ी के अपने वजन यानी कि उसकी बॉडी का जो वजन है वो, और पोरताता जो सामान उसके ऊपर आप लेके जा रहे हैं, उन दोनों को जमा करके मासा कॉम्प्लेस सीवा पियानो कारी को ये बनता है। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि तारा यानी कि गाड़ी का अपना वजन, गाड़ी की अपनी जो शेप है, जो उसकी टायर वगैरह हैं, जो उसकी बॉडी है वो, और पोरताता वो सामान जो गाड़ी ले जाने का काम करती है। तो जब सामान इसके ऊपर रख देते हैं तो ये एक मुकम्मल गाड़ी बनती है और उसका जो मुकम्मल वजन होगा वो मासा कॉम्प्लेस सीवा पियानो कारी को बनता है। कार वाली मिसाल भी मैंने आपको दी कि कार का भी जो वजन होगा मैक्सिमम वजन वो उसके अंदर जब जितने बंदों के बैठने की जगह है वो बैठे हुए हों, सामान रखने की जगह है तो वहाँ पर भी सामान हो, तो सारा कुछ जमा करके मैक्सिमम वजन जो है वो MCPC कहा जाता है उसको। मासा इफेक्टिवा ए इन वेचे मासा दिल वेहीकोलो इन क्वेल प्रेचीजो एस्तांते, मासा इफेक्टिवा यानी कि इफेक्टिव मास ए इन वेचे मासा दिल वेहीकोलो, ये गाड़ी का वो वजन है इन क्वेल प्रेचीजो एस्तांते यानी कि गाड़ी का किसी भी वक्त जितना वजन है, यानी गाड़ी है अगर उसके अंदर सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है और सामान थोड़ा सा रखा हुआ है तो उस वक्त उसका जो वजन होगा उसको हम कहते हैं मासा इफेक्टिवा। ये डिफरेंट होता है मैक्सिमम मास से, यानी कि मैक्सिमम मास उस वक्त है जब गाड़ी फुली लोडेड हो, उसके अंदर जितने बंदों के बैठने की जगह है वो बंदे भी बैठे हुए हैं, सामान रखने की जगह है तो सामान भी रखा हुआ, उसके बाद टोटल जो वैल्यू बनती है, जो टोटल मास या वजन गाड़ी बर्दाश्त कर सकती है उसको MCPC कहते हैं। और मासा इफेक्टिवा जो है गाड़ी का उस वक्त, किसी भी वक्त आप कहें कि गाड़ी का मासा इफेक्टिवा क्या है, तो उस गाड़ी को अगर आप किसी स्केल के ऊपर लेके जाते हैं उस वक्त जो उसका वजन आएगा वह उसका वजन होगा। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक कार है जिसके अंदर 4 बंदों के बैठने की जगह है, कार का अपना वजन जब उसके अंदर फ्यूल टैंक उसका फुल होता है तो वो 1000 किलोग्राम है, उसके बाद जब उसमें 4 बंदे बैठे हुए हों, उसके अंदर आप जो सामान रखने की जगह है वो भी फिल हो, और इन सब का टोटल वजन जो है वो 500 किलोग्राम, तो इस गाड़ी का मैक्सिमम MCPC जो है वो 1500 किलोग्राम बनता है, यानी कि ये गाड़ी अपने वजन और इसके अंदर जो सामान या लोग बैठे हुए हैं मैक्सिमम दोनों को मिला के आप इस गाड़ी के अंदर 1500 किलोग्राम का वजन जो है वो ये गाड़ी बर्दाश्त कर सकती है। टोटल टायरों के ऊपर जो वजन है वो 1500 किलोग्राम हो सकता है।
ये गाड़ी का अपना टोटल वजन है, मैक्सिमम टोटल वजन। इसकी बजाय हम मासा इफेक्टिवा की मिसाल देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि गाड़ी के अंदर फ्यूल कम है, जिसकी वजह से गाड़ी का वेट 1000 नहीं है बल्कि 980 किलोग्राम है। गाड़ी के अंदर 4 की बजाय सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं और सामान भी थोड़ा कम है, यानी एक नॉर्मल दिन के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, तो उस वक्त उसका जो वज़न होगा, उस टाइम पे उसका जो वज़न होगा उसको हम मासा इफेक्टिवा कहते हैं, यानी कि एट द मोमेंट गाड़ी का वज़न कितना है, तो वो 1130 किलोग्राम बनता है और ये मासा इफेक्टिवा होगा। ये फ़र्क होता है मैक्सिमम पॉसिबल वेट में और एक्चुअल वेट में, यानी कि गाड़ी का इस वक्त वज़न कितना है। रिमोर की है, सेमी रिमोर की, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर, यानी कि ट्राली या सेमी ट्राली। रिमोर की और सेमी रिमोर की सोनो भाई कोली प्रीवीदी में तोरे, ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनकी अपनी मोटर नहीं होती, अपना इंजन नहीं होता। लेस्ती ना आती आद ऐसरे तरह ना आती, और इनका इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब इनको कोई दूसरी गाड़ी खींच रही हो। रिमोर की ले जेरी सोनो क्वाली दी एम सी पी सी फिनोआ सत्ते चैन तो जिंकुआन था किलोग्रामी। रिमोर की लग्जेरी हल्की ट्रालियाँ, यानी कि जिस तरह हमने मोटोचिकली लग्जेरी देखे, जिस तरह हमने क्वाड्रीचिकली लग्जेरी देखे, तो रिमोर की भी जो है वो लग्जेरी की जो कैटेगरी है वो हम कहते हैं कि जी 750 किलोग्राम तक उसका अगर एमसीपीसी जो है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, वो 750 किलोग्राम तक अगर हो तो उसको हम कहते हैं कि जी ये रिमोर की लग्जेरी की कैटेगरी है। ये गाड़ी जो है, ये ट्राली जो है, ये हल्की है। सोनो इंतरामी दो ताती थी इन प्यान तो फिर ना आते। तो ये जो दोनों गाड़ियां, मतलब रिमोर की और सेमी रिमोर की, ये जो दोनों किस्म की गाड़ियां हैं, इनका अपना एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो फिर आप गाड़ी के साथ अटैच करते हैं और इसकी ब्रेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नोने वैरो के सोनो मुनीती दी सिलेंसिया तोरे, ये बात गलत है कि इनका कोई साइलेंसर होता है। साइलेंसर सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जिन गाड़ियों के अंदर कोई इंजन, कोई मोटर चल रही होती है। तो जब इनका कोई इंजन नहीं है, कोई मोटर ही नहीं है, तो साइलेंसर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये बात गलत है कि इनके साथ कोई साइलेंसर भी लगा हुआ होता है। कारावान रॉलर्स, बात कर लेते हैं उनकी जिनका जिक्र बड़ी देर से चल रहा है, अब उनकी बारी आ गई है। सोनो रिमोर की ये ट्रालियां होती हैं जी, इनको आपने आटो वेहीकल के साथ कंफ्यूज नहीं करना, इनको आपने आटो कारावान के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये सोनो रिमोर की ये ट्रालियां होती हैं। मुनीति दी तारगा प्रोपरिया, इनका इनकी अपनी नंबर प्लेट होती है, तारगा कहते हैं नंबर प्लेट को। आनो स्पेशाले कारोसेरिया एद एतरे साथी, इनकी जो है बॉडी या इनकी जो इक्विपमेंट होता है वो स्पेशल होता है। फिर एसरे उदातो आदोलोजियो, ताकि इनको रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एक्सक्लूसिवा मैंते आवई कोलो फेरमो, लेकिन सिर्फ उसी हालत में जब ये हालत सुकून में हो, कहीं पर खड़ी हुई हो, गाड़ी रुकी हुई हो, कहीं भी पार्क की हुई हो, चलते हुए इसके अंदर जो है वो आप इसको उठने बैठने रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह इसका इस्तेमाल वही है जो हमने पहले देखा तो कारवान का, कि ये भी रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती है। आपने किसी पिकनिक पॉइंट पे जाना है, किसी दूसरे मुल्क आप कोई टूर लगा रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो इस तरह की गाड़ी ले जाएं साथ। आपको कहीं पर होटल के कमरे के लिए किराया पे नहीं करना पड़ेगा, रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, आप समझ लें कि अपना एक छोटा सा घर ही अपने साथ लेके जा रहे हैं। रिमोर की टी ए टी एस ट्रालियाँ, टी ए टी एस रिमोर्कियो का रैली पर त्रास्पार तारे लेको से स्पोर्टिवे, ऐसी ट्रालियाँ जो स्पोर्ट्स का सामान जो है ट्रांसपोर्ट तारे, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कश्ती रानी के लिए छोटी छोटी ये कश्तियाँ, और किसी को अगर स्पोर्ट्स बाइक का शौक है तो उसको ले जाने के लिए एक छोटी सी करेलो मौजूद है। तो इसको हम रिमोर्की टी ए टी एस कहते हैं। मुझे नहीं पता अभी टी ए टी एस किसका मुखफ है, लेकिन जहाँ पर टी ए टी एस आ जाए तो आपने याद कर लेना कि स्पोर्ट कोजे स्पोर्टिवे की बात हो रही है, ऐसी ट्रालियों की बात हो रही है जिनके ऊपर कोजे स्पोर्टिवे स्पोर्ट्स का सामान लेकर जाते हैं। कौन उन रिमोट की टी ए टी एस सी पोसनो ट्रांसपोर्टारे बार के कावाली ऑटोमोबिली मोटोचिकली अनिमाली पेरुजी स्पोर्टिवी एक्सेट्रा। टी ए टी एस की जो ट्राली होती है, इसके साथ आप बार के यानी कि कश्तियाँ, कवाली घोड़े, ऑटोमोबिली ऐसी गाड़ियाँ जो रेसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, मोटोचिकली यानी माली
मोटरसाइकिल्स या ऐसे जानवर जो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसका कोई भी सामान है उसको आपने लेकर जाना है ना, तो उसके लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होगी, जो ट्राली इस्तेमाल होगी, उसको कहते हैं रिमोर्की TATS। Macchine operatrici e agricole. Le macchine operatrici e le macchine agricole sono macchine semoventi o trenanti. ये ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो सेमोवेंती होती हैं, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं, सी पोसोनो मोवेरे दा सोला, वो बजाते खुद, अपनी हैसियत में जो है वो उनकी इतनी औकात होती है कि वो खुद मूव कर सकती हैं, खुद सफ़र कर सकती हैं। वो ट्रेनाती, या फिर उनको कोई दूसरा खींच रहा होता है, जैसे कि ट्राली वगैरह। दोताते धीर होते घुमाते ओ सेमोवेंती चिंगोरी। ऐसी गाड़ियाँ जो हैं उनके टायर हो सकते हैं घुमाते, यानी कि रबड़ के बने हुए टायर हो सकते हैं, या चिंगोली हो सकती हैं। चिंगोली कहती हैं इस तरह की चेन्स को जो आप टैंकों के ऊपर भी देखते हैं, पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा। ये ऐसे रोड्स के ऊपर खसूसी तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, या उनकी हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वहाँ पर कोई मतलब जो दूसरे टायर होते हैं नॉर्मल वो इस्तेमाल किए जा सके। तो वहाँ पर जो है इस तरह की चेन वाली जो है चिंगोली इस्तेमाल की जाती है। क्वेले सेमोवेंती पोसोनो ट्रांसपोर्टारे अल मासिमो 3 पर्सोने। सेमोवेंती यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्टर वगैरह जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो गाड़ी खुद चल सकती है पोसोनो ट्रांसपोर्टारे अल मासिमो 3 पर्सोने, उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे जो है ना उसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं। कॉम्प्रेजो इल कॉन्डुचेंते, ड्राइवर भी उनमें शामिल है, यानी कि एक ड्राइवर जो है वो ट्रैक्टर वगैरह चला रहा होगा या कोई भी गाड़ी है उसको चला रहा होगा, 2 बंदे उसके साथ जो है ना वो बैठ के सफ़र कर सकते हैं। मनोनिन पियदी, लेकिन वो खड़े नहीं होंगे, उनके लिए प्रॉपर पोस्ट बनी हुई होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से कहीं पर बैठे हुए होने चाहिए। नॉन पियदी। न्यांके सुल रिमोर्कियो, अगर पीछे कोई ट्राली वगैरह हो तो उसमें भी वो खड़े नहीं हो सकते, वो हमेशा बैठे हुए होंगे, कहीं पर जगह होगी वहाँ पर वो बैठ के सफ़र कर सकते हैं, खड़े होकर ट्रैक्टर के ऊपर या ऐसी किसी गाड़ी के ऊपर आप सफ़र नहीं कर सकते। माकिने ओपेरात्रिची ए आग्रिकोले। ले माकिने आग्रिकोले सोनो डेस्टिनाते ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali। एग्रीकल्चरल मशीनरी या ज़रई गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो ज़राअत के काम के लिए या जंगलात के काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पोसोनो सर्कुलारे सु स्ट्रादा पेर इल प्रोप्रियो ट्रांसफेरिमेंटो ओ पेर इल ट्रांसपोर्टो दी प्रोडोटी एग्रीकोली। ऐसी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर सफ़र कर सकती हैं अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि ट्रैक्टर को आपने लेकर जाना है खेतों से निकाल कर वापस घर, तो ट्रैक्टर खाली सादा ट्रैक्टर को भी आप लेकर जा सकते हैं, या उसके पीछे आप किसी ट्राली के अंदर कोई ज़रई प्रोडक्ट यानी कि गंदम या कोई खाद वगैरह लेकर जा रहे हैं आप, या इस तरह के कोई प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसोलों से इमात्रिकुला दे, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में आप रोड के ऊपर इन गाड़ियों को चला सकते हैं जब ये रजिस्टर्ड हो। ले माकिने आग्रिकोले नॉन एक्सेप्शनली सी पोसोनो कंडूरे कॉन ला पतेंती आ उनो आ दुए ओ आ। माकिने ओपेरात्रिची और आग्रिकोले जो होते हैं अपनी शेप और साइज के अतबार से 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं, यानी इनकी आगे 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी को कहते हैं नॉन एक्सेप्शनली, दूसरी होती है एक्सेप्शनली। जो नॉन एक्सेप्शनली हैं इनका मेरे ख्याल में वजन जो है वो 3,500 किलोग्राम से कम होता है। इनको आप A1, A2 और ए कैटेगरी का जो पतेंते होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके साथ चला सकते हैं, लेकिन क्वाली एक्सेप्शनली कौन सा पतेंते भी, लेकिन अगर आप क्वाली इसकी एक्सेप्शनली वाली किस्म है उसको ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पतेंते बी होना चाहिए। और ये जो एक्सेप्शनली होती हैं इनका वजन 3.5 टन यानी कि 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनकी शेप भी जो है, शेप की डायमेंशन भी दोनों सूरतों में डिफरेंट होती है, नॉन एक्सेप्शनली और एक्सेप्शनली की। ले माकिने ओपेरा त्रिची सोनो आद एग्जांपियो वेइकोली स्कोमरा नेवे स्पार्टी नेवे वेइकोली यूटिलिज्जाती पेर ला कोस्ट्रुक्सियोने। माकिने ओपेरा त्रिची जो होती हैं उनकी मिसाल आप ले लें कि ये बात तो आपको पहले भी बताई थी कि ये रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा हो या वैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको माकिने ओपेरा त्रिची कहते हैं। मिसाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सड़क के ऊपर बर्फ़ हटाने के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको स्कोम्ब्रा नेवे कहते हैं, वो माकिने ओपेरा त्रिची होती हैं। इसी तरह स्पार्टी नेवे, अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है तो उस बर्फ़ को उखेड़ने के लिए, उसको टुकड़े करने के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको स्पार्टी नेवे कहते हैं। वहीकोली यूटिलिटी साथी पेर कुछ लोग गाड़ी की रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं प्रॉपरली,
उनको भी माकिन ऑपेरेटरिची कहते हैं। क्वेल्ले नॉन एक्सेप्शनली चोए कॉन मास्सा फिनो आ 3.5 टोनेलारी, यानी कि नॉन एक्सेप्शनली जो माकिन ऑपेरेटरिची होती हैं 3.5 टन या 3.5 हजार किलोग्राम से कम जिनका वेट होता है, सी पोसन कौन दूरे कौन पतेंते बी, उनको आप पतेंते बी के साथ भी ड्राइव कर सकते हैं। क्वेल्ले एक्सेप्शनली कौन उना पतेंते सुपेरियर है, लेकिन एक्सेप्शनली जो है जिनका वजन 3.5 से ज्यादा होगा 3.5 टन से, उनको चलाने के लिए आपके पास कम अज कम पतेंते सी होना चाहिए। रिविजियोने, रिवीजन, तो हम इसको तफसील से देख लेते हैं तमाम गाड़ियों की किस्मों के साथ के रिवीजन पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरह डिफाइन की गई होती हैं। तो पहली कैटेगरी जो है हमारी जो अब तक हमने देखी है वो यही है कि प्रीमा बोलता दोपो को आतरो आनी पोई होनी दुए आनी। गाड़ी लेने के बाद जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उससे 4 साल बाद आपने उसका पहली बार रिवीजन में करवाना है, और दूसरी बार उसका हर दूसरे साल के बाद। 2020 में गाड़ी ली, 2024 में आपने उसका पहली बार रिविजन होने करवाना है, उसके बाद 2026, 28, 30 इसी तरह आगे जाते जाना है। ये कौन सी गाड़ियाँ होती हैं? इनमें आतो पैतूरे कारें, आतो कारवान, कैंपर, आतो वहीकुली, आदिविदाद, आदिविति, अल्ट्रांसपोर्टो दी कोजे हो, अदूसो स्पेशल, ऐसी गाड़ियाँ जो सामान ले जाने का काम करती हैं या किसी स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। दिमासा कॉम्प्लेस सीवा नॉन सुपेरियोरे आ 35 किलोग्राम। तो ये गाड़ियाँ अगर इनका वज़न MCPC जो हमने पहले पढ़ा है वो 3.5 हज़ार किलोग्राम से कम हो, यानी कि फुल लोड के ऊपर जब अगर इनका वज़न 3.5 हज़ार किलोग्राम से कम हो, तो ऐसी गाड़ियों की रिवीजन आप पहली बार 4 साल के बाद और उसके बाद हर दूसरे साल करवाते हैं। मोटो व्हीकली ए चिक्लो मोटोरी, मोटर व्हीकल्स और स्कूटर्स यानी कि चिक्लो मोटोरी जो हैं इनका भी रिवीजन पहली बार 4 साल बाद उसके बाद हर दूसरे साल होता है। रिमोर्की दी मासा कॉम्प्लेस सीवा नॉन सुपेरियोरे आई 3.5 मिला 500 किलोग्राम। और वो ट्रालियाँ जिनका वज़न MCPC जो है वो 3.5 हज़ार किलोग्राम से कम होता है, 3.5 हज़ार किलोग्राम 3.5 टन के बराबर होते हैं। तो आपको ये दो लफ्ज़ देखने को मिलेंगे 3.5 हज़ार किलोग्राम और ज़्यादातर 3.5 3.5 टन का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनकी पहली बार रिवीजन 4 साल के बाद और उसके हर दूसरे साल बाद फिर आपने इसकी रिवीजन करवानी होती है। इसको याद रखने का आसान तरीका यह है कि आप 3.5 टन को जहन में रख लें, एक मोटरसाइकिल का वज़न इससे कम होता है, स्कूटर का वज़न तो समझ लेंगे मैक्सिमम 50-60 किलोग्राम होता है, इसी तरह ट्रालियाँ भी अगर उनका वज़न है 3.5 हज़ार किलोग्राम या 3.5 टन से कम है तो ये सब की सब 4 साल बाद पहली बार और उसके हर साल बाद उसके बाद हर दूसरे साल जो है इनकी रिवीजन करवाई जाएगी। इसके अलावा अब हम जो गाड़ियाँ देखने वाले हैं इन गाड़ियों की रिवीजन हर साल करवानी होती है, यानी कि 2020 में आपने गाड़ी ली उसके हर साल बाद फिर आप इसकी रिवीजन करवाएंगे 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में। इसमें आतो वैतूरे आदिविद्याल सर्विसियो टैक्सी, टैक्सी जो होती है वो उसकी हर साल रिवीजन करवानी होती है आपने। और ये टैक्सी वो है जिसमें आपको सिर्फ कार नहीं बल्कि कार के साथ ड्राइवर भी जो है वो आप को मिलता है। आपने कहीं भी सफ़र करना हो तो आप ड्राइवर को उसकी डेस्टिनेशन बताते हैं कि मैंने इस जगह जाना है, वो आपको लेके जाता है। तो ये सिर्फ उन गाड़ियों की बात हो रही है जिनके अंदर ड्राइवर भी आपको मिलता है। आतो वेहिकुली उत्तिलित जाति पेरिल ट्रांसपोर्टो दी कोजे रिमोर्की दी पेसो कॉम्प्लेस सीवो सुपेरियोरे आई 3.5 मिला 500 किलोग्राम। और वो तमाम गाड़ियाँ जो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं या वो ट्रालियाँ जिनका वज़न 3.5 हज़ार किलोग्राम से ज़्यादा होता है, यानी कि अगर कोई भी गाड़ी है बेशक वो सामान ले जाने का काम करती हो या कोई ट्राली हो, अगर उसका वज़न 3.5 हज़ार किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसकी रिवीजन हर साल होगी। आतो बस, आतो एम्बुलेंस है, बस जो होती है इसके अलावा एम्बुलेंस जो होती है इनकी रिवीजन भी हर साल होगी। तो इसको हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। रिवीजन के बारे में आपसे जब भी सवाल पूछा जाए आपने गाड़ी के वेट के बारे में सोचना है। चिक्लो मोटोरी का वजन, चिक्लो मोटोरी और मोटो व्हीकल की तो होती ही 4 साल बाद और उसके हर दूसरे साल है। कार और ट्राली के बारे में भी आपने ये बात जहन में रख लेनी है कि अगर उनका वज़न 3.5 हज़ार किलोग्राम से कम है, 3.5 टन से कम है MCPC टोटल लोड फुल लोड के ऊपर उनका वज़न, तो हर 4 और दूसरे हर दूसरे साल। अदरवाइज अगर 3.5 टन से ज़्यादा है या वो टैक्सी है या वो बस है या एम्बुलेंस है तो उनकी रिवीजन हर साल होगी।